तो पंजाब धारासभ्य श्री सेरी कल सीए सोनगढ़ खाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करीने 172 निजर विधानसभा मां आम आदमी पार्टी नो विजय थरसे एवो विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। अहीं उम्मीदवार तरीके अरविंद भाई सिंगाबाई गामिते पण एमनी साथे विजयनी हंकार भरी। तो आदिवासी विस्तार एवा सोनगढ़ मां बिरसा मुंडा भगवानी प्रतिमाने फूलहार कर्या बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ना पुत्रने पण पुष्पांजलि करी हती। त्यारबाद तेमनी आगेवानी मां पदयात्रा रेलीनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। रेली बाद ओटा 4 रस्ता पर कार्यालयनुं उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रममां महानुभाव मां प्रदेश महामंत्री मनोजभाई सोरठिया 172 विधानसभा बैठकना उम्मीदवार अरविंदभाई गामित प्रदेश एजुकेशन सेल उपाध्यक्ष बिपिन भाई चौधरी तापी जिला प्रमुख श्री सागर भाई वसावा तापी जिला महिला प्रमुख निमिषा बहन गामित विशेष हाजरी आपी हती। नगर मां लोकोने मळीने एमने पार्टी ने वोट करवा विनंती करी हती। एकवार गुजरात मां अरविंद केजरीवाल ने तक आपवा जणाव्युं हतुं। लोकोनो उत्साह जोईने आम आदमी पार्टी ना नेता अने कार्यकर्ताओना विस्तारमां पण वधारो थयो हतो। त्यारे अरविंद भाई ने दिग्गज आदिवासी नेता ने छबी आ विस्तार मां एमने कितली काम लागे छे ते तो आवनार दिवसों मां जुवानु रह्यु। लोग वहां के खुश नजर आ रहे हैं। यहां पर भी गुजरात में जैसे भी जो जो हमने ग्रंथियां दी हैं, जैसे 1000 रुपया लेडी का, ठीक है, बिजली का, बेरोजगारी पत्ते का, ये जैसे आदिवासी एरियो में जो ग्रंथियां बांटी है, एक एक ग्रंथी के ऊपर श्री अरविंद केजरीवाल जी खड़े थे। आपके नेता केजरीवाल कट्टर ईमानदार पार्टी है ऐसा कहते हैं, और आपकी पंजाब में सरकार बनने के बाद आपकी सरकार ने हेल्थ मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया है, तो फिर 172 निजर विधानसभा में जिससे भ्रष्टाचार होने का आक्षेप, उनको क्यों टिकट दी? मैं एक बात बताऊं, ये जो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, सबूत है, तो नेचुरली पार्टी को बताएं। जहां में तो हमारे जो मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जब वो हेल्थ मिनिस्टर को हमने मंत्री पद से उतारा, किसी मीडिया वाले के पास कोई प्रूफ नहीं था। किसको पता लगा? हमारी पार्टी को पता लगा, हमारी लीडरशिप को पता लगा। पता लगते सारी उसी समय साइड पर कर दिया। अगर ऐसा कोई आपको लगता है भी डॉक्यूमेंट वगैरह आया तो काइंडली पार्टी को दे। अरविंद भाई जो है आपके बाजू में जो उम्मीदवार आपने यहाँ पे घोषित किए, वो इसी एरिया के काफी मजबूत जो पशुपालकों के बीच में और किसानों के बीच में उनकी एक मजबूत पकड़ बनी हुई है, आदिवासी बड़े नेता है, तो आपको लगता है कि 172 निजर विधानसभा जीता लेंगे? मैं आपको यही बताता हूँ कि राजनीति में जुनून, संघर्ष और वफादारी ये बहुत बड़ी अहमियत होती है, और इनका जज्बा देखकर जो भी जितना अच्छा काम करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी पार्टी में काम करने वाले बंदे को हमेशा ऊपर उठाया जाता है। हमारे मैं भाई साहब से भी हंसकर बात कर रहा था, कहते हैं यार मेरे को अभी सुबह का शेड्यूल नहीं आया। मैंने कहा जी हमारे जो पंजाब में मंत्री बनते हैं उनको भी ये नहीं पता लगा, उनको टेलीफोन आता है अभी सुबह आप मंत्री बनने वाले हो, सिर्फ काम की कदर है आम आदमी पार्टी में। जी सर, ठीक है, थैंक यू। अरविंद भाई, आ विस्तार में एक खेडूत अग्रणी तरीके, एक पशुपालक ना अग्रणी तरीके, एक दिग्गज आदिवासी नेता तरीके आप छाप धराव छो, तो आम आदमी पार्टी में जवा पाछळ नो कोई विशेष कारण? आम आदमी पार्टी में जवा माटे एक ज कारण छे के सुमन मां हूँ छेल्ला 20 वर्ष थी डायरेक्टर हतो। 2020 ની ચૂંટણી માં હું ટાઈટ થી બહાર થયો, માત્ર 2 વર્ષ માં જેટલા જેટલા ડાયરેક્ટરો છે એ પાછો સુમન માં ધંધે લાગેલા છે, ને હમણાં તમે જોયું હશે વિડીયો માગરોળ તાલુકા સોનગઢ તાલુકાના પશુપાલકો સુમનમાં એટલી હલ્લા મચાવેલી કે ન પૂછો વાત। હું આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે ભ્રષ્ટાચારની ફાઇલ આ સુમનની હાથે લઈ લો અને પ્રૂફ સાથે સહી સાથે, એટલે ખેડૂતો માટે અમે આજે એપીઓ તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છું, 11 સંસ્થાનો ચેરમેન છું, એમના માધ્યમથી હું નાબાર્ડ થકી વિકાસ કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટીનું મને પ્લેટફોર્મ જોયું, મને ઈમાનદાર એક નેતૃત્વ મળ્યું છે, હું પણ એક ઈમાનદાર છું જેણે ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ કર્યો છે એ પ્રૂફ કરી બતાવે। સર, આપને લાગે છે કે નિજર વિધાનસભામાં આપના થકી કોઈ મોટું પરિવર્તન આવશે? હું 50,000 ખેડૂતોનું પરિવર્તન કરીશ, મારો એ અનુભવ છે। સોનગઢ તાલુકામાં જ્યારે ડાયરેક્ટર હતો ત્યારે માત્ર 30,000 લિટર દૂધ હતું, આજે હું 1,67,000 દૂધ કરેલું છું, 107 બીસીઓ કરેલા છે, તો ઉચ્છલ નિજર કુકરમુંડામાં આજે કશું જ નથી, એમના માટે હું તંત્ર મહેનત કરીશ। આદિવાસીઓ આપને મત આપે અને અરવિંદભાઈને ચૂંટી લાવે તો 172 નિજર સભા વિસ્તારનો શું ફાયદો થશે?
આપને ચૂંટી લાવે અને આપ જો જીતી નહીં થી ધારાસભ્ય બનો તો આ વિસ્તારના વિકાસ માટે નવું શું કરશે? તાપી જિલ્લામાં બાજુમાં જ મારો એમડી બેઠો છે, એપીઓ થઈ ગયો, 50,000 ખેડૂતોને મલ્ટીપર્પઝ ખેડૂત તૈયાર કરીશ અને અરવિંદ કેજરીવાલ જોડે હું આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર સાથે જોઈન્ટ થઈશ. જે અમારું એગ્રીકલ્ચર એપીઓ રજીસ્ટ્રેશન થયું છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર જોડે અમે સંકલનમાં ચાલીએ છીએ. યુવા માટે કોઈ વિશેષ યુવા માટે હવે જેમને નોકરી લાગે છે એમને નોકરી તો ખરી છે, પણ 2 એકર જમીન હશે, પોતે ધાર્મિકતા હશે, પોતાની પાસે પાણીની સગવડ હશે, બાકીને અમે પ્રૂફ કરીએ. અરવિંદ, આપને વિશ્વાસ છે કે આ વિધાનસભા આપ જીતશો? બિલકુલ જી સર, આપને પણ અમારા વતી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. હિતેશ નાયક સાથે બિંદેશ્વરી શાહ, લાઈવ 24 ન્યૂઝ, તાપી.